हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर जांगिड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्बल गुरु। मार्बल फ्लोर कैसे लगाएं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरह से फर्श को कच्चा करना पड़ता है। आप चाहें तो इसमें सीमेंट का घोलिया भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लेवल के निशान लगाने चारों कोनों में इस तरह से। अगर आपके पास रेजर लेवल है तो वो आप उपयोग कर सकते हैं, अगर रेजर लेवल नहीं है तो इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से लाइवर के निशान लगा लीजिए, नेल जो बोलते हैं लाइवर, उससे हर तरफ इस तरह से निशान लगा लें। ये देखिए चारों तरफ हमने निशान लगा लिए हैं। पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। तो पत्थर लगाने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, गीला मसाला लेना है। मसाला कोई 4 एक का भी लगा सकता है, कोई 5 एक का भी लगा सकता है। हमने 5 एक का मसाले का उपयोग किया है और मसाला थोड़ा गीला होना चाहिए। जिस तरह हम प्लास्टर करते हैं गीला मसाला होता है, उसी तरह से यहाँ पे गीला मसाला लेना है और मसाले को इस तरह से पद्धर कर लें। नीचे जितना आपका थप्पी है पत्थर है, परंडी से इसको पद्धर कर लें, लेकिन इसमें से बिल्कुल साफ नहीं करना है, ऊपर से थोड़ा 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 इसमें खड्डे से रखने हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपने पूरा साफ़ कर दिया ऊपर से तो ये पत्थर सही से नहीं बैठेगा, सही से लगेगा नहीं। तो आपको थोड़े थोड़े खड्डे रखने हैं इसके अंदर, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमने मसाला बिछाया हुआ है, एकदम रेडी है। इसी तरह से आपको मसाला बिछाना है दोस्तों। और अब हम आप इसके ऊपर पत्थर रखेंगे, मसाला 2 या 1.5 इंच मसाला आराम से होना चाहिए नीचे, इससे ज़्यादा मसाला ना हो दोस्तों। और इस तरह से इसके ऊपर पत्थर को रख दें, फिर आपको अच्छे से पत्थर को सेट करके इसको नाप के देखना है, लेवल के निशान से अच्छी तरह से इसको सेट कर लें। बिल्कुल अच्छे से बैठा लें इसको, फिर लेवल के निशान से इसको चेक कर लें इस तरह से, कौन सा कोना ऊंचा है कौन सा कोना नीचा है आपको पता चल जाएगा दोस्तों। अगर पत्थर ऊंचा रह रहा है आपका तो आप इसको आगे पीछे हिलाकर सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप वैक्यूम का भी उपयोग कर सकते हैं, या इस तरह से आप इसको आगे पीछे हिलाएंगे तो आपका पत्थर पूरा एकदम सही लग जाएगा दोस्तों। अगर आपको पत्थर को हिलाएंगे नहीं तो आपका पत्थर खाली रहेगा, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आपको आगे पीछे इसको हिलाना है दोस्तों, इससे आपका मसाले में अच्छे से बैठ जाएगा पत्थर। फिर आपको चेक करना है अगर आपका पत्थर सही आ गया है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा फिर इसको जो भी कोना ऊपर है उसके ऊपर दबाव देकर फिर इसको आगे पीछे लाना है दोस्तों। इस तरह से मसाला नीचे वाइब्रेट हो जाता है और पत्थर आपका जो खाली जगह है वो भी खाली नहीं रहती है। अच्छे से इसको सेट करके फिर सूप में मिला के देखिए दोस्तों, सूत में इसको लगा कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हमने कोशिश की है दोस्तों कि आपको बारीक से बारीक चीज़ के बारे में बताया जाए ताकि आपको पता चल सके। वीडियो लंबा है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये देखिए हम इसको हिलाकर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ऊँचा है थोड़ा सा। जब ये एकदम सही हो जाएगा फिर इसके नीचे सीमेंट डालकर इसको एकदम पक्का कर दिया जाएगा। तो आपको ये रेडी है, अब इसको ऊपर उठाकर एकदम बिल्कुल सही लगा हुआ है दोस्तों। अब हम इसके नीचे थोड़ा सीमेंट डालेंगे, सूखा सीमेंट डालना दोस्तों, याद रखना है गीला सीमेंट नहीं डालना है आपको।
ये थोड़े थोड़े जो रहेगी जगह वहाँ पे थोड़ा मसाला डाल दें, फिर इसके ऊपर ऐसे सीमेंट डालना है आपको। सीमेंट सूखा होना चाहिए दोस्तों, गीला सीमेंट नहीं डालना है। इस तरह से सीमेंट डालकर अच्छी तरह से सीमेंट डालें इसके ऊपर, फिर आपको वापस इसको सेट कर देना है। थोड़े थोड़े ऐसे करंडी के निशान भी लगा लें ताकि थोड़ा सा आप जब इसको पत्थर को हिलाएंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाए। अब सीमेंट डाल के ये पत्थर को रख दिया है दोस्तों, इसी तरह से आपको भी करना है। सीमेंट डालकर फिर इसको अच्छे से सेट कर दें। अब ये आपका पत्थर जो है एकदम पक्का लग चुका है। सेम इसी तरह से इस रूम में सारे पत्थर लगेंगे दोस्तों, कोई भी पत्थर कहीं से भी खाली नहीं रहेगा। लगभग 99% पत्थर इस तरीके से आप लगाएंगे तो भरा हुआ होगा, हर तरह से खाली नहीं हुआ कहीं भी कोई कोना। वो हमारा पहला पत्थर लग कर तैयार हो चुका है, आपको उसको चेक करना है दोस्तों कहीं ऊपर या से हमको मसाला बिछाना है उसी तरीके से। 1.5 या 2 इंच मसाला आपको अगला पत्थर के नीचे आना चाहिए दोस्त, लगाकर दिखाएंगे। और गीला मसाला होना चाहिए अच्छी तरह से इसको पत्थर का गीला ठंडी से। वही सेम मसाला दीवार के पास से थोड़ा सा दूर, क्योंकि दीवार सूखी होती है दोस्तों तो पानी मसाले का सोख लेती है तो मसाला थोड़ा टाइट हो जाता है तो आपका पत्थर बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दीवार से इसको थोड़ा सा दो सूत दूर रखने की कोशिश की, बीच में करंडी फेर दें और दो सूत दीवार से दूर रखें इसको, क्योंकि दीवार सूखी है तो पानी सोख लेगी तो आपका मसाला टाइट हो जाएगा और उधर से फिर नीचे नहीं बैठेगा। ये को इसी तरह से लगाना है। ये हमारे पास 4.5x4.5 की थप्पी है दोस्तों, साइज चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर इस तरीके से आप पत्थर को लगाएंगे तो आपका पत्थर खाली नहीं रहेगा, कभी भी आपके पत्थर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है दोस्तों कि बारीक से बारीक चीज़ को आपको बताया जाए ताकि आप इसी तरह से जानिए सारे पत्थर लगाएंगे। हर एक पत्थर को हम आपके सामने लगाकर दिखाएंगे और इसको लगाकर आपको चेक भी कराएंगे कि भी ये पत्थर पूरा लगा है या नहीं लगा है। तो हम दूसरा पत्थर को स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ी देर में ये लग जाएगा तो अब हम हमको इसको उठाकर दिखाएंगे कि कितना हिस्सा खाली है और कितना हिस्सा लगा है, आप खुद देख सकते हैं। अभी हम मसाला पत्थर कर रहे हैं इसका, मसाला बस आपको गीला मसाला उपयोग करना है, सूखा गीला या और दूसरा मसाला कोई उपयोग नहीं करना है दोस्तों। मसाले को अच्छे से पत्थर करना है और इसके ऊपर कोई फट्टी वगैरह कोई चीज़ नहीं मारनी, बस करंडी से आपको इसको पत्थर करना है और थोड़े थोड़े इसमें डोट से रखने हैं इस तरह से जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि जब पत्थर आप इसके ऊपर रखते हैं तो फिर ये अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, मसाले को पत्थर दबा देता है और ये सब बिल्कुल एकदम नीचे से कोई जगह भी खाली नहीं रहती। फिर जब आप इस टेक्निक से पत्थर लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों कि ये टेक्निक कितनी कामयाब है। ये हमारे दूसरे पत्थर का मसाला एकदम रेडी है बिछाकर, इसके ऊपर हम पत्थर रखेंगे। ये आपके सामने है बिल्कुल, दूसरा पत्थर हमने रख दिया है और अब इसको उसी तरह से सेट करना है। इसको एकदम से वैक्यूम लगाकर फिर इसको आपको
हिलाकर सेट करना है। इससे आपका मसाला नीचे एकदम वाइब्रेट होकर इस पत्थर के नीचे बैठ जाएगा और लेवल में आ जाएगा। इस तरह से आपको पत्थर को हिलाकर सेट करना है। जो हमने नीचे इसके थोड़े थोड़े डॉट से रखे थे, जो ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ मसाला रखा था, वो एकदम पत्थर हो जाएगा नीचे इस पत्थर के दबाव से, और आपका पत्थर बिल्कुल सेट लग जाएगा। सूत लगाकर इसको चेक कर ले, पत्थर अगर आपका सही है सूत में ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर से इसके ऊपर दबाव देकर फिर इसको ऐसे ही आगे पीछे इसको हिला करके सेट करना होगा। जब एकदम सेट हो जाए फिर इसके ऊपर नीचे सीमेंट डालना है। अब ये पत्थर एकदम लेवल में सही है, अब इसको हम आपको उठाकर दिखाएंगे पत्थर कहीं खाली तो नहीं है। ये देखिए दोस्तों, लगभग 95% पत्थर लगा हुआ है दोस्तों, थोड़ी सी एक नुक्कड़ खाली है, बाकी सारा पत्थर लगा हुआ है। अगर इस तरह से आप पत्थर लगाएं तो आपका पत्थर बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा। जहाँ पर ये स्पेस पे दिख रहा है आपको, ये नुक्कड़ खाली है दोस्तों इधर, तो इस नुक्कड़ के नीचे आपको थोड़ा सा मसाला डाल के थोड़ा सा सीमेंट ज़्यादा डाल देना है, उससे फिर आप इस पत्थर को रख दें और आपका पत्थर खाली नहीं रहेगा। ये हमने इसके ऊपर सीमेंट डालना शुरू कर दिया है। सीमेंट सूखा ही डालना है दोस्तों, गीला सीमेंट नहीं डालना है। ये नुक्कड़ इस पत्थर की खाली है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीमेंट डाला जाएगा। सीमेंट डाल के आपको इस पत्थर की जो कन्नी होती है उसको अच्छी तरह से साफ करना है, कोई मसाला सीमेंट इसके दर्ज के अंदर ना रहे। अच्छे से इसको साफ करके फिर इस वापस इस पत्थर को रखना है। बस इस तरह से आपको फिर से इसको सेट कर देना है और ये आपका दूसरा पत्थर भी लग जाएगा दोस्तों। इसी तरह से ये तीसरे पत्थर का भी हम उसी हिसाब से रखेंगे और इसके आप रेशे देख सकते हैं दोस्तों, रेशे एकदम मिले हुए हैं। हर एक रेशा एकदम सही, बिल्कुल बारीक से बारीक रेशा मिल रहा हुआ दोस्तों। उसी तरीके से इसे भी सेट करना है। आगे पीछे पत्थर को करने से ये वाइब्रेट होता है एक तरह से, और जो आपका मसाला है नीचे बैठ जाता है और साथ में पत्थर आपका बिल्कुल सही आ जाता है। अगर कहीं से थोड़ा नहीं बैठ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा दबाव देकर उसको हिलाएंगे तो सेट हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए पत्थर एकदम सही से आ गया है, ये देखिए। आगे पीछे आप किसी भी तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, गीला मसाला होगा तो। फिर से आपको सूत लगा के चेक करना है। ये हमने फिर इसके पत्थर को उठा लिया दोस्तों, ये जो थोड़ी थोड़ी जगह आपको दिख रही है खाली, यहाँ पे मसाला डाल देना है। इस तकनीक से अब बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि कहीं पत्थर खाली तो नहीं है,
बाद में हमें दिक्कत नहीं आती कि पत्थर लगाने के दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि पत्थर खाली रह गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। या तो बिल्कुल उसी समय पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से पत्थर खाली है और आप मसाला डाल के उसको सेट कर सकते हैं। ये हम फिर इसके ऊपर सीमेंट डाल रहे हैं। अच्छी तरह से इसको सीमेंट डाल के फिर इसको भी रख कर पक्का कर दिया जाएगा। बस एक बात का ध्यान बिल्कुल रखना, आपको इसकी जो कन्नी होती है पत्थर की वो बिल्कुल साफ़ रखनी है। अगर थोड़ा सा सीमेंट रह जाए तो उसके ऊपर फिर से पानी डालकर उसको साफ़ कर दीजिए, लेकिन कन्नी साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कन्नी साफ़ नहीं होगी तो एक तो आपको इधर सही से मिलेगी नहीं, और दूसरा इसके अंदर काला काला जो सीमेंट होता है उसका दाग रह जाता है। फिर आप जब वाइट सीमेंट इसके अंदर डालेंगे तो दिक्कत आती है। ये देखिए आपका पत्थर एकदम पूरा लगा हुआ दोस्तों। ये हम इसको रखने जा रहे हैं। अब एकदम सेट करके इसको रख दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हिला करके एकदम पूरा पक्का सेट कर देंगे, क्योंकि जब हमने सीमेंट डाला है थोड़ा सा तो ये हवा समान ऊपर उठ जाता है सीमेंट की वजह से, और जब इसको हिला कर सेट कर देंगे तो उसी लेवल पर फिर आ जाएगा। फिर से सूत्र लगाकर इसको चेक कर लें और ये पत्थर एकदम रेडी है दोस्तों। तीन पत्थर हमने आपके सामने लगाकर दिखाए हैं, अब ये चार नंबर पत्थर है दोस्तों। ये हमने रख दिया इसके ऊपर, मसाला अच्छे से बिछा के इसके ऊपर सेट कर दिया है। वैक्यूम की पत्थर के ऊपर पकड़ थोड़ी कम होती है तो थोड़ा पानी डालकर आप उस वैक्यूम लगा सकते हैं, फिर आपका वैक्यूम निकलेगा नहीं और आप पत्थर को आराम से इधर उधर हिला सकते हैं। ये पत्थर हमने एकदम सेट कर दिया दोस्तों। अब हम इसको उठाकर फिर से आप देखेंगे इसको कि पत्थर कहीं खाली तो नहीं रहा। ये आपके सामने हम इसको ऊपर उठाएंगे, ये देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा खाली जगह पर मसाला डाल दीजिए। अगर आपका मसाला ज़्यादा गीला है तो थोड़ा सूखे मसाले का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गीला मसाला जो है पानी ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा सूखा मसाला डाल दें, ज़्यादा सूखा मसाला नहीं डालना है। खाली जगह पर थोड़ा थोड़ा सूखा मसाला डाला जा रहा है। फिर से आपको करंडी की सहायता से थोड़ा थोड़ा इस सूखे मसाले को पत्थर कर देना है, और फिर से आपको इसके ऊपर पत्थर को रख के चेक करना है, क्योंकि
ज़्यादा पानी की वजह से पत्थर का पता नहीं लग पाया दोस्तों कि कहाँ से खाली है कहाँ से नहीं। अब हम इसके ऊपर दोबारा पत्थर को रख के और चेक करेंगे, पत्थर के ऊपर भी थोड़ा कपड़ा मार ले ताकि जो पत्थर के ऊपर निशान है वो साफ़ हो जाए, और जब दोबारा आप इसको उठाएंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ से पत्थर लगा है और कहाँ से नहीं लगा है, देखने में आसानी रहेगी। ये हम दोबारा इसके ऊपर रख कर फिर चेक करेंगे, क्योंकि इस पत्थर के नीचे थोड़ा ज़्यादा गीला मसाला था दोस्तों, तो पहली बार में पता नहीं चल पाया। फिर से आपको सूत लगा कर चेक करना है, हम फिर से इसको उठा कर देखेंगे कहाँ से पत्थर लगा है और कहाँ से खाली है। ये आपके सामने जो धब्बे से दिख रहे हैं आपके सामने, वहाँ से थोड़ा सा पत्थर खाली है दोस्तों, ये देखिए पत्थर को भी आप देख सकते हैं और ये नीचे मसाले को भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से पत्थर लगाते हैं दोस्तों तो आपको पत्थर कहीं से भी कोई खाली नहीं रहेगा, अगर आप खाली भी पत्थर है तो आप देख सकते हैं कि यहीं से खाली है और वहाँ पे मसाला उसी वक्त डाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे जहाँ से पत्थर खाली है, थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है। इस तरह से मसाला थोड़ा थोड़ा डालकर खाली जगह को भर सकते हैं आप। ये लीजिए अब खाली जगह एकदम भरकर रेडी है दोस्तों, अब हमारा पत्थर कहीं से भी खाली नहीं रहेगा। अब हमें इसके ऊपर सीमेंट डालना है, सूखा सीमेंट ये आपके सामने डाला जा रहा है। इसी तरह से आपको भी सूखा सीमेंट डालकर फिर पत्थर लगाएंगे तो दोस्तों अच्छे से आपका पत्थर लगेगा और कहीं भी कोई सी मालिक का आपको बुलाना या वो नहीं आएगा कि पत्थर खाली रह गया है। कई बार क्या होता है सूखे गीले मसाले में पत्थर लगाते हैं या कोई और तरीके से लगाते हैं तो पत्थर खाली रह जाता है, और बाद में हमें वो दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि ये पत्थर खाली रह गया है। लेकिन इस तरीके से जब पत्थर लगाएंगे तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा दोस्तों।
जी हमारा चौथा पत्थर ये रख दिया हमने। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर हिलाकर ये भी एकदम पक्का सेट हो जाएगा दोस्तों। तो हमने आपके सामने चार पत्थर लगा कर दिखाए दोस्तों। तो आप भी इस तरह से पत्थर लगा सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारे चारों जो पत्थर लगे हैं बिल्कुल सही है, एकदम सही रेशे सारा सभी पत्थरों के रेशे सभी मिले हुए हैं और चारों के चारों पत्थर बिल्कुल एकदम सही लगे हुए हैं दोस्तों, जीरो लेवल में। कहीं भी कोई भी पत्थर ऊंचा नीचा नहीं लगा हुआ है, कोई भी पत्थर खाली नहीं है। आप इस तरीके से लगाएंगे, आप भी अगर इस तरीके से पत्थर लगाएंगे तो आपका भी पत्थर भी खाली नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से पत्थर लगेगा। चारों पत्थर एकदम रेडी हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।